वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। एंड अभी जैसे गणपति नज़दीक आ रहे हैं तो हमने सोचा कि हम आपके लिए ऐसी एक जगह जा रहे हैं जहाँ पे दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे बड़े बड़े गणपतीज बनाए जाते हैं। तो आज हम वो आपको प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो आई होप यू एंजॉय एंड स्टे ट्यून। तो प्लान ऐसा है गाइस कि हम लोग अभी गोरेगांव स्टेशन पहुँच रहे हैं और गोरेगांव स्टेशन से हम लोग फास्ट ट्रेन अगर पकड़ेंगे तो दादर उतर के हमें प्रभा देवी जाना है। तो देखते हैं, और एक डेढ़ घंटा लगेगा। अभी टाइम कितना टाइम रहा? 10:25 हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10:30 बज रहा है। तो आई थिंक 11:30-12 तक हम लोग प्रभा देवी पहुँच ही जाएंगे, जहाँ मतलब लोकेशन है जहाँ हमें जाना है। तो सो हम लोग प्रभा देवी उतर गए, अभी 11:30-12 हो रहे ऑलमोस्ट। एंड वी हैव डिसाइडेड, पहले चल रहा था कि टैक्सी से जाएंगे वो वर्कशॉप तक, लेकिन हम लोग ने मैप देखा तो मैप में कुछ 10 मिनट ही वॉकिंग दिखा रहा था, और जैसे हम अभी चलने लगे सिर्फ 3 ही मिनट वॉकिंग दिया। वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली वही लोकेशन है कि नहीं, बट लेट्स सी, लेट्स फिगर इट आउट। वर्कशॉप का पूरा अंदर का लेन ऑलमोस्ट ख़त्म होने के बाद ये वर्कशॉप यहाँ पे है। आई शो यू बाहर से भी कैसे दिखता है, बट नज़दीकी है तो यू ऑल कम वॉकिंग, क्योंकि बहुत अच्छा रास्ता भी है, छाव है थैंक्स टू द ट्रीज, बट मस्त है पूरा। आई थिंक रेलवे का वर्कशॉप है, लोको वर्कशॉप, बेसिक ट्रेनिंग का वर्कशॉप है आई थिंक वहाँ पर। मस्त है जगह, आई लाइक इट। सी यहाँ से ये मेन रोड है, सकल जगाचा तारण हारत
हमें अंदर आने मिल गया है. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बहुत भीड़ था बाहर, तो हम लोग ने ये प्रथमेश चेंगवनकर जो वन ऑफ दी ओनर्स है यहाँ के, उनसे बात किया फ़ोन करके. तो ही वॉज सच अ हम्बल गाय कि हमको उन्होंने परमिशन दे दिया है थोड़े टाइम के लिए हम लोग शूट कर सकते हैं यहाँ पे. तो हम दिखाते हैं और आपको थोड़ी बार इंफॉर्मेशन भी देंगे हम लोग. तो लेट्स सी. तो गणपति मेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अभी ये टाइम पे बहुत क्रूशियल है. ये लोग जून महीने से चालू करते हैं और जून महीने से डे नाइट काम करते हैं ये लोग सारे वर्कर्स यहाँ पे. और बहुत सारे ये जो मंडल्स है, ये सोसाइटीज़ है, वो आके ऑलमोस्ट उन लोग ने गणपति सेलेक्ट कर लिया होता है. तो वो फेसेस रिवील करना इज़ नॉट गुड, वो लोग अलाउ नहीं करते, इसलिए सारे गणपतिज़ तो हम कवर नहीं कर सकते. लेकिन एक आइडिया दे सकते हैं कि कैसे होता है यहाँ का, यहाँ पे माहौल कैसा है और कितना मेहनत से ये लोग यहाँ पे सब ये गणपतिज़ यू नो बना रहे हैं. बहुत अच्छा फीलिंग है, सिर्फ एक महीना बचा है गणपति के लिए और मुंबई में ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें देखने के लिए. ये गणपतिस बड़े बड़े पार्ट पार्ट में बनाते हैं ये लोग. मोस्टली सब 10 फीट के ऊपर ही है, 15 फीट के ऊपर है गणपतिस, बड़े बड़े गणपतिस है ये. और इनका बेस वो लोग मिट्टी से चालू करते हैं, लेकिन बाद में सारे POP के गणपति रहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं ये. तो देखते हैं हमारी दोस्त को यहाँ पे कैसा लग रहा है. कैरोलिना, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट डू यू थिंक? You know, it's like wow. I don't know. It's like I don't have words. It's outstanding. This, I mean, it's like to see the proper board that all people, like not all people, like few people is doing. Yeah. So like how long it takes? More than 3 months, yes, doing this work just to make the perfect company. Because it's not anyone. It's the perfect one. Yeah. So it has to be very. All the details must be in there, you know, like they don't leave the statue just like that. Correct. It has to be proper made. Yes. And it's so pretty. Yes. तो ये वही कह रही है कि कितना 3 महीने का मेहनत लगता है इनको, तीन से ज़्यादा ही. और डे नाइट काम करते हैं सारे, कितने सारे लोग का एज भी ज़्यादा है बट वो फिर भी उतनी चाह से ये बनाते हैं और डिटेलिंग के साथ बनाते हैं. ऐसा नहीं कि बना दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते गणपति के आइडल के साथ में. तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पहली बार देख रही है यहाँ पे. Hey Gajanana, hey Gajanana.
क्यूट क्यूट मूर्तियां हैं यहाँ पे देखो। गाइस बड़े मूर्तियों के साथ यहाँ पे छह छोटी छोटी मूर्तियाँ भी है, तो आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो छोटी मूर्तियाँ भी, कलागंध आर्ट्स। तो हमारे साथ है प्रथमेश जी, और तो थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इनको इस जगह के बारे में। तो कलागंध आर्ट्स आपने कब से शुरू किया? हमारा ये कलागंध आर्ट 2020 में स्टार्ट हुआ है, जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब से हम लोग ने छोटी मूर्ति में ये वर्क शुरू किया था। अभी 2 साल से हम लोग बड़ी मूर्ति में अपना ये वर्कशॉप कर रहे हैं। ओके, और ये बुकिंग कब से आप होगा? हम लोग का बुकिंग जो अपना है उससे स्टार्ट हो जाता है, जो हम लोग का एंटीक टेम्पल जो रहता है वो लोग सब वो स्केचेस वगैरह गुड़ी पाड़वा के दिन से लेके आते हैं, उसके बाद मई तक उनका फाइनलाइजेशन होता है, और जो रेगुलर गणपति वो जून से स्टार्ट होता है। और ये कहाँ कहाँ से बुकिंग आता है? ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अभी हमारे पास हैदराबाद में, सूरत में, एमपी का गणपति है, और महाराष्ट्र भी हम लोग का गणपति है। जैसे एक गणपति हम लोग का थाईलैंड को भी जा रहा है, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी। वेरी नाइस, ओके। और फिर थाईलैंड में मतलब कभी डिस्पैचेस कभी से चालू? वो सितंबर के फर्स्ट वीक में लेके जाएंगे उनको, जो एक्सपोर्ट के लिए जो पैकेजिंग वगैरह रहता है वो उसके हिसाब से। जो आउट ऑफ मतलब मुंबई रहते हैं ना, वो सितंबर फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो, जो 20-25 दिन का उनका 13 डेज मिल जाते हैं, उसमें वो ट्रैवलिंग वगैरह सब अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मूर्ति बाहर लेके जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा तकलीफ रहती है, इजी वे में जाना चाहिए। और मुंबई के सारे गणपतिस तो 3-4 दिन पहले? नहीं, वो उसका आगमन का प्रोसेस रहता है, 3 सितंबर से 10 सितंबर, और जो संडेज रहते हैं या सैटरडेज रहते हैं उसमें जो ऑलमोस्ट वर्क बढ़ा रहता है मुंबई में वो बंद रहता है, तो ट्रैफिक के लिए उतना ट्रैफिक और मुंबई पुलिस के लिए वो आगमन प्रोसेस इजी रहता है। अच्छा, ओके। और यहाँ पे कितने होंगे, आपका टीम कितना बड़ा है? उनका टीम अभी तो 60 लोग हम लोग के पास है, उसमें पीओपी आर्टिस्ट अलग है, कारपेंटर्स अलग है, वेल्डर्स अलग है, फैब्रिकेशन का काम अलग करता है, उसके बाद जो फाइनलाइजेशन करती है, मतलब जो आग वगैरह निकालती है वो टीम अलग रहता है, जो अपना जो पीओपी वगैरह का टीम रहता है जो वो पहले 2 महीने काम करते हैं, उसके बाद जो फैब्रिकेशन का टीम है वो लास्ट वीक में या जो लास्ट मंथ में जैसा डिलीवरी स्टार्ट होता है उस हिसाब से वही काम। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने हमें चांस दिया यहाँ पे थोड़ा सा शूटिंग करने के लिए। हम अगले साल भी आएंगे या हम आपको कॉल जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो छोटी मूर्तियाँ तो बनके रेडी है बुकिंग के लिए, और बड़ी मूर्तियों को और 1 महीना लगेगा रेडी होने के लिए, और जैसे ही रेडी होंगे, इन्होंने जैसे बोला कि आगमन के लिए इन्होंने मतलब लोगों ने एक सेट किया होता है, और पुलिस को भी इजी पड़ता है कि जो बड़ी गणपति है उनके आगमन का शेड्यूल भी सेट होता है, तो मोस्टली ये वीकेंड्स पे होता है, सैटरडे संडे को, सो दैट पुलिस को ईजी हो जाए वो प्रोटेक्शन देने के लिए। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये देखते, क्योंकि ये सबको देखने नहीं मिलता है, तो हमने ट्राई किया है कि हमारे वजह से आपको शायद ये देखने मिल जाए। और ये भी एक बात है कि ये मूर्तियाँ जैसे प्रथमेश जी ने कहा, इंडिया के बाहर भी जाती है, मुंबई के बाहर भी जाती है, ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया के बाहर कहीं पे भी अगर आपको ये मूर्तियाँ चाहिए तो आप इनसे ऑर्डर करा सकते हैं। मैं इनका नंबर सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इनका नाम और नंबर। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के कि ये इंडिया के बाहर भी लोग यहाँ से लेके जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी, छोटी मूर्तियाँ भी। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये देख के, हमें तो बहुत मज़ा आया। और सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। कलागंध आर्ट्स का ये नज़ारा आपको बहुत पसंद आया होगा आई एम होपिंग। लगता है कि गणपति का जो माहौल है मुंबई में वो हमें कहीं और नहीं देखने मिलता है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, गांव का जो गणपति होता है वो माहौल अलग ही होता है, लेकिन मुंबई का माहौल मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है मुंबई के ये जो गणपति की वाइब में, क्योंकि
जगह जगह पे डेकोरेशंस जगह, अभी एक ही महीने में पूरा मुंबई ऑल डेक्ड अप होगा, सजा हुआ मुंबई, डेकोरेटेड मुंबई, बहुत अच्छा लगता है. तो आई होप यू आर इक्वली एक्साइटेड. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गणपति, दैट्स आवर फेवरेट फेस्टिवल. एंड ये सारी ये ब्लॉग से आपको काफ़ी जानकारी भी मिली होगी. तो कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. बाय बाय.